तो फंक्शन जो होता है ना वो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। देखिए यहाँ पे हैश लगा रहा हूँ, हैश जो है कमेंट के लिए यूज होता है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फंक्शन इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, फंक्शन यानी क्या होता है, प्रोग्राम्स का एक सेट होता है। ठीक है, और अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, यानी फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन कर देते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन देखिए दो प्रकार के होते हैं, पहला फंक्शन क्या होगा, तो पहला फंक्शन जो होगा वो होगा यूजर डिफाइंड। ठीक है, ये एक हो जाएगा यूजर डिफाइंड और एक हो जाएगा क्या, प्री डिफाइंड। तो पहला, पहले की बात करते हैं हम, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पहला, पहले सपोज कीजिए प्री डिफाइंड लिखते हैं, तो ये हो गया प्री डिफाइंड। अब इसको समझेंगे क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, यूजर डिफाइंड, तो इसको भी समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड। तो ये दो तरीके के फंक्शन हमारे पास हैं। ठीक है, पाइथन के अंदर ये दो तरीके के ही फंक्शंस होते हैं। अब हम इनको देखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पाइथन के अंदर सीधा प्रिंट लिखते हैं और यहाँ जो भी चीज दे देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने हेलो ही दे दिया, तो यहां पर जब इसको चलाएंगे रन कराएंगे, यहां से आप रन करा सकते हैं, तो रन फाइल पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हेलो ये प्रिंट करके दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे हेलो प्रिंट होता हुआ नजर आपको आ भी रहा होगा। तो यहाँ पे ये हेलो प्रिंट हो गया। अब ये जो हेलो प्रिंट हुआ, इसमें प्रिंट की तो कोडिंग आपको दिख नहीं रही है, क्या आप प्रिंट की कोडिंग देख सकते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे हेलो लिखा हुआ प्रिंट हो जा रहा है, प्रिंट ही लिखने से, ऐसा थोड़ी ना कि हम कुछ और भी लिख देंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं नॉट प्रिंट लिख दूं, नॉट प्रिंट, तो इससे भी क्या प्रिंट हो जाएगा, या कैपिटल में पी लिख दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रिंट ही लिखूंगा और कैपिटल में पी लिख दूं और फिर इसको चला दूं, तो क्या ये प्रिंट होगा। अब देखिए ये लिख रहा है नेम एरर, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन प्रिंट। अब आपसे ये पूछ रहा है कि प्रिंट में कैपिटल पी आपने लिख दिया है, तो आपने शायद गलती कर दी है, शायद आपके कहने का मतलब स्मॉल पी है क्या। तो आखिरकार प्रिंट वाला जो स्मॉल पी है यही लिखने पे चल रहा है, तो इसका मतलब कि पाइथन जब बना होगा तो इसकी कोडिंग यानी प्रिंट की कोडिंग पहले से कर दी गई होगी कि प्रिंट लिखने से क्या होगा। तो ये चीज जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये जो है प्रिंट ना, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसी तरह के फंक्शंस को हम प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या करेंगे, तो सपोज कीजिए एक छोटा सा टॉपिक ही ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि आपको फंक्शन बनाना होता है, तो आप क्या क्या लिख के फंक्शन बनाते हैं। अब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करने जा रहे हैं, ये तो प्री डिफाइंड हो गया, ये क्या हो गया, प्री डिफाइंड, यहां पे लिख देता हूं डिफाइंड। ठीक है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, प्री डिफाइंड। ठीक है ना, और अब यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे होगा, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में यहां पर हमें डेफ लिख के बनाना होता है फंक्शन। क्या लिखना होता है, डेफ, इसका मतलब जाहिर सी बात है डिफाइन ही होता है, लेकिन आप डिफाइन लिख नहीं सकते, आपको लिखना क्या होगा, डेफ ही लिखना होगा। अब मान लीजिए फंक्शन किसी भी नाम से बना सकते हैं हम, तो सपोज कीजिए काउंट एफ नाम से बना रहे हैं, या किसी भी नाम से बना लेते हैं, CoUNT काउंट एफ ही बना लेते हैं, चलिए, तो ये हो गया काउंट एफ। अब काउंट एफ नाम से फंक्शन बना रहे हैं, तो इसके अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे, चलिए हम वो पैरामीटर पास कर देते हैं SENTENCE, एक स्ट्रिंग हम एंटर करेंगे, उस स्ट्रिंग में एस या ए मान लीजिए, ए से जो स्मॉल ए से शब्द स्टार्ट हुए हैं उनको हमें काउंट करना है, ऐसा फंक्शन बनाना है कि काउंट एफ लिखें तो वो स्मॉल एस आए हुए सेंटेंस में आए हुए स्मॉल एस को काउंट करके हमें दे दे कि कितनी बार स्मॉल एस आया हुआ है, ऐसा ही फंक्शन हमें बनाना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले तो रिटर्न कीवर्ड लिख देते हैं, रिटर्न एक तरह का कीवर्ड है, ये पहले से बना होता है, इसकी भी कोडिंग पहले से हुई है, और यहां पे क्या दे देना है, सेंटेंस दे देना है आपको, जैसे कि मैंने दिया है, और यहां पर डॉट करके लिख देते हैं काउंट, CoUNT काउंट, और हमने बनाया है एफ नाम से, तो यहां पे हम दे देंगे काउंट, एफ नहीं देंगे यहां पे प्री डिफाइंड। अब देखिए ये काउंट भी क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन, और यहां पर हम ए को, स्मॉल ए को काउंट करना चाहते हैं, तो यहां स्मॉल ए दे दिया। ठीक है, यानी कुछ हद तक हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। अब नीचे आते हैं, अब चूंकि हमने बनाया है सेंटेंस नाम से SENTENCE, सेंटेंस नाम से बनाया है, तो यहां सेंटेंस के अंदर कुछ लिखना होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया हेलो वी आर लर्निंग LEARNING वी आर लर्निंग पाइथन एंड जावा also ALSO, ये दे दिया हमने। ठीक है,
अब मान लीजिए इसमें कितनी बार ए आया है, हमने ए ही तो काउंट करना है हमको। तो देखिए हेलो में तो ए आया नहीं है, आर में एक बार ए आया है, लर्निंग में एक बार ए आया है तो ये हो गया दो, और एंड में एक बार आया है तो तीन, जावा में एक बार आया है चार, और ये ऑल्सो में एक बार आया है पांच। यानी कुल मिलाकर के पांच बार ये आया हुआ है, लेकिन इसका हमें फंक्शन का इस्तेमाल करके इसको काउंट करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम एक बना लेते हैं काउंट ए नाम से, काउंट ए नाम से बना लिया ए को काउंट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर इज इक्वल टू का निशान लगा करके अब यहां क्या देंगे, यहां पर चूंकि हमारा फंक्शन जो बना है वो काउंट एफ नाम से बना है, तो यहां लिखा काउंट एफ, और किसको काउंट करना है तो सेंटेंस के अंदर आए हुए, जो भी सेंटेंस में आए हुए चीजें हैं उनको काउंट करना है। तो यहां पे हम क्या दे देंगे, सेंटेंस दे देंगे, क्या दे देंगे सेंटेंस। तो ये हमने दे दिया सेंटेंस, ठीक है। और सेंटेंस देने के बाद क्या करना है, जैसे ही सेंटेंस देंगे तो अब इसको प्रिंट करवाने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रिंट कैसे करवाएंगे, तो प्रिंट करवाने के लिए एंटर करके नीचे आएंगे, यहां लिखेंगे प्रिंट, और फिर ब्रैकेट को ओपन करके यहां पे क्या दे देंगे, यहां पे हम दे देंगे द नंबर एस रिपीटेड, आर ई पी ई ए टी ई डी रिपीटेड टाइम्स, टी आई एम ई एस टाइम्स हो गया, और इसको डबिटेड कॉमा के अंदर रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये तो ज्यों का त्यों हमारा प्रिंट हो जाएगा, तो इसीलिए इसको डबिटेड कॉमा के अंदर रख करके, और फिर कॉल किसको, मतलब यहाँ पे प्रिंट किसको कराएंगे, तो काउंट ए को कराएंगे। कॉल तो ऊपर हमने कर ही दिया है, कॉल तो हमने ऊपर किया है सी ओ यू एन टी काउंट अंडरस्कोर ए, इसी को काउंट, इसी में जाके चीजें स्टोर होंगी, तो यहाँ काउंट ए कर दिया। अब बारी है इसको चलाने की, चला के देखेंगे कि ये चल रहा है, सही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ एस, एस रिपीटेड, यानी एस की बात कर रहा है, एस रिपीटेड। अच्छा हमने यहाँ पे एस ही दे दिया है गलती से, यहाँ पे ए कर लीजिएगा, ए रिपीटेड, ठीक है। तो अब अगर इसको चलाते हैं तो छह बार ए आया हुआ है, तो अभी देखते हैं छह बार आया है कि नहीं आया है। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि छह बार ये रिपीट हो रहा है, कैसे रिपीट हो रहा है, देखिए यहां ए में एक बार आया है, लर्निंग में एक बार आया है तो ये हो गया दो, ए में एक बार आया है तीन, जावा में एक बार चार, फिर जावा में दूसरी बार पांच, और ये ऑल्सो में एक बार छह, यानी छह बार आया हुआ है और ये छह बार बता भी रहा है, क्लियर है कि नहीं। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी काउंट करना हो वही चीज यहां पे दे दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको ई काउंट करना है तो यहां पे ई दे दीजिए, जो भी देंगे वही चीज ये काउंट करके देगा। ऊपर हम कॉल कर ही चुके हैं इसको, यहां पर रिटर्न करवा ही रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जब इसको चलाएंगे, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे इसको कॉल भी किया गया काउंट एफ को, यहां पे देखिए, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं ई में क्या आ रहा है, तो ई में फोर आ रहा है, तो क्या यहां पे फोर बार ई रिपीट हुआ है, तो यहां एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ये चार हुआ, और तो कहीं ई आया नहीं हुआ है, इतने हिस्से में तो ई आया ही नहीं है, चार ही बार ई आया है तो चार यहां पे दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ओ को काउंट करना हुआ तो यहां पे आप सिर्फ चेंजेस करेंगे, ओ लिख देंगे तो ये ओ को भी काउंट करके दे देगा, तीन बार ओ आया है, आप देख सकते हैं एक बार हेलो का ओ आया हुआ है, और दूसरी बार पाइथन का ओ आया हुआ है, और तीसरी बार ऑल्सो का ओ आया हुआ है, ठीक है। अगर इसी चीज को आप बढ़ा देते हैं, पर आप चेंजेस करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ और लिख देते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे लिख देते हैं आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल, ठीक है, एंड ओन ओ डब्ल्यू एन, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे चूंकि ओ लेना है तो ये ले लिया है मैंने। और अब इसको चलाते हैं देखते हैं क्या होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे फोर आ रहा है क्योंकि हेलो का एक हो गया, ठीक है, पाइथन का दो हो गया, ऑल्सो का तीन हो गया, आउल का चार हो गया, और ये ओन का पांच हो गया, लेकिन ये कैपिटल ओ को नहीं काउंट कर रहा है, जो यहाँ पे देंगे वही काउंट करेगा। अगर आप यहाँ कैपिटल दे देंगे तो सिर्फ कैपिटल को ही काउंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको चला के, देखिए यहाँ पे एक बार दे रहा है तो कैपिटल ओ को ही ये काउंट कर रहा है, तो जो यहाँ पे देंगे वही काउंट करेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना